अब एरे की अगर सेकेंड एग्जाम्पल आप देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे नेम है और मैं चाहता हूँ हर लेटर को अलग अलग सेल में लिखना कुछ इस तरह से। तो इसके लिए हमें मिड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला स्टार्ट नंबर वन से स्टार्ट हो और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हो, वन हो। फिर यहीं पे सिर्फ हम फिर से यहाँ पे मिड लगाएं और मिड में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि स्टार्ट टू से हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर वन हो। अगेन मैंने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया और मिड के फॉर्मूले में हमने दिया कि यहाँ स्टार्ट थ्री से हो और नंबर ऑफ कैरेक्टर वन हो। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, बस एक इनपुट चेंज हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने नंबर ऑफ लेटर हैं। फिर एंटर प्रेस कीजिए, नहीं सॉरी एंटर प्रेस नहीं होगा, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसलिए स्पेल कॉलर आया क्योंकि एरे कन्फर्म नहीं हो पाया, इसलिए इस पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, कंट्रोल सिर्फ एंटर जैसे आप करेंगे जितना भी सिलेक्टेड एरिया है सब पे और फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपके सामने डेटा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा नाम बढ़ सकता है, कम सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक संभावित एरिया ले लीजिए जहाँ पे आपका जितना बड़ा नाम हो सकता है 50, 60, 70 और फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाइए मिड का, इसको सिलेक्ट कीजिए और इस बार कर्ली ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे हम कॉलम की लेते हैं, कॉलम में हम यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा यहाँ पे हम देते हैं नंबर ऑफ रो 1, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए आपका नाम अगर मान लीजिए यहाँ पे राजकुमार सिंह हुआ तो राजकुमार सिंह इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे फायदा हुआ कि एक संभावित एरिया में रख दिया, कॉलम लगाने से आपको कर्ली ब्रैकेट काउंट नहीं करना पड़ा, जितने एरिया में फॉर्मूला लगा होगा उसी हिसाब से चल जाएगा। अब बात आती है इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, तो मैंने एक पैन कार्ड फॉर्म बनाया था उसमें इसको यूटिलाइज किया था। जी हाँ, पैन कार्ड फॉर्म मैंने बनाया था उसमें इसको यूटिलाइज किया था। बेसिकली पैन कार्ड फॉर्म को हमें फिल करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दिख रहा है शर्मा, तो हमने दूसरे सेल पे हमने नाम लिखा यहाँ पे शर्मा और मिड के सेम फॉर्मूले से हमने उठा दिया और अपर का फॉर्मूला लगा दिया तो अपर लेटर में ये अलग अलग सेल पे चला गया। अब अपर का फॉर्मूला कैसे लगाया, तो इसी फॉर्मूले में मिड को जो है हम अपर के अंदर में रख दिए, अपर के अंदर में रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही ये आपका अपर लेटर में चला गया। तो इसका यूज हमने यहाँ पे किया था कि हम जो भी डिटेल फिल करनी है हम सीट नंबर 2 में फिल कर देंगे और सीट नंबर 1 के अंदर जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में अपने आप अलग 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 लेटर में फिल हो जाएगा। तो जमुना जी एंड राशिद जी, कोई डाउट इसमें? नहीं।